गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज जो पेस्ट पढ़ रहे थे आपके, इसमें हमारे 19 लेक्चर हो चुके हैं पहले, ये 20वां लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे जो आपके ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनमें लगने वाले जो पेस्ट हैं उनकी बात करेंगे एक एक करके। तो आज हम पढ़ रहे हैं सोयाबीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेस्ट है जो पिछली बार आपके एग्ज़ाम में आया भी है, उसके बारे में बात करें। एक ही पेस्ट है सोयाबीन का आपके सिलेबस में। सबसे पहले तो यहाँ मैंने बात की ऑयल सीड क्रॉप की और मैं सोयाबीन भी बोल रहा हूँ, है ना, ये एग्रोनॉमी का वैसे है क्वेश्चन तो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि सोयाबीन जो क्रॉप है वो किसके अंदर आती है। अगर हम बात करें ये ऑयल सीड क्रॉप है या फिर ये क्या है, एक दलहनी फसल है, क्या मानोगे आप इसको? तो ऑयल सीड जो क्रॉप है ये क्या है, दलहनी भी है और ये क्या है, तिलहनी भी है, यानी ऑयल सीड भी है और पल्सेस भी है। लेकिन दलहनी अगर हम बात करें तो किसको बोलते हैं, पल्सेस किसको बोलते हैं, जिसकी हम घरों में क्या करते हैं, दाल बना सकते हैं ना खाने के लिए, जिसको यूज़ ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दलहनी। लेकिन सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन को एज ए पल्स क्रॉप यूज़ नहीं लिया जाता खाने के लिए। उसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है लिपोऑक्सीडेज, ठीक है, लिपोक्सीडेज एंजाइम होता है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। लिपोक्सीडेज एग्ज़ाम होता है, सॉरी एंजाइम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हम क्या है खाने के लिए या फिर बात करें एज ए पल्सेस क्रॉप हम यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना भी। तो हम बात कर रहे थे सोयाबीन की, तो सबसे पहले जो पेस्ट है उसका नाम क्या है, सोयाबीन गर्डल बीटल, ठीक है, सोयाबीन गर्डल बीटल। अब ये जो गर्डल बीटल है, इसका गर्डल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट ये जो मीन है गर्डल का, जो है वो मीन क्या, गर्डल का मीन क्या होता है, रिंग, यानी कि रिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, गर्डल बोलते हैं। अब इस पेस्ट को इसी आधार पे नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साइंटिफिक नेम की, तो इसकी साइंटिफिक नेम है ओबेरिया ब्रेविस, ठीक है, ओबेरिया ब्रेविस। फैमिली है इसकी लेमिडी और ऑर्डर है इसका कोलियोप्टेरा। तो यहाँ पे कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर की बात करेंगे तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कोलियोप्टेरा ऑर्डर के, सबसे पहले तो इसकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी होगी, ग्रब एंड एडल्ट, ठीक है, ग्रब एंड एडल्ट। अब फिर बात करेंगे कि लाइफ साइकिल इसका कैसा होता है, तो क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कितनी स्टेज होती है लाइफ में, चार स्टेज होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसकी जो फोर विंग्स होती है उनको क्या बोलते हैं, इलेट्रा बोलते हैं। हार्डन स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोल देते हैं, इलेट्रा। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट की, तो ये क्या है, दलहनी जो फसल है, मोस्ट ऑफ ये सबके अंदर भी लग सकता है, लेकिन मेजर जो पेस्ट अगर बात करें तो वो किसका है, ये सोयाबीन का है, ठीक है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो नेचर ऑफ डैमेज में सबसे पहले मैंने ये आपको एक बात बताई कि नेचर ऑफ डैमेज कहाँ से डिसाइड होगा, जो ऑर्डर है इसके, अगर हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है जैसे कि कोलियोप्टेरा है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रब एंड एडल्ट नुकसान पहुँचाएगा, ये चीज़ तो होगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि फोर स्टेज होती है लाइफ साइकिल में, क्या होती है, चार स्टेज होती है। अब बात करें माउथ पार्ट्स की, ठीक है, माउथ पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, क्या होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग, यानी कि काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। तो सीधी सी बात है, काटने चबाने वाले होंगे तो ये क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को काट काट कर उसको खा के और फिर नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है इसका, ग्रब एंड एडल्ट, जो दोनों ही क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करें नेचर ऑफ डैमेज की, तो मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसका डैमेज होता कैसे है, गर्डल बीटल नाम क्यों पड़ा और क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये कोई स्टेम है, ठीक है, ये कोई स्टेम है किसका, सोयाबीन का, ठीक है। एक मिनट मैं इसको सीधा कर देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये स्टेम है, ठीक है, सोयाबीन का। अब क्या होता है, ये जो पेस्ट जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेम, ये क्या होता है, स्टेम भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है, या फिर बात करें जो ब्रांचेज होती है वो भी हो सकती है। होता क्या है कि सबसे पहले हम स्टेम को लेके चलते हैं, ये जो पेस्ट होता है ये क्या करता है, ये जो स्टेम होता है इसके ऊपर बीच में, ठीक है, बीच में क्या करता है, ये दो गर्डल बनाता है, यानी कि रिंग बनाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसी रिंग होगी, एक रिंग होगी। अब इसके बीच में क्या है, 3 से 7 सेंटीमीटर की दूरी होती है और वहाँ पर क्या होती है, एक दूसरी रिंग होती है यहाँ पर। इस प्रकार क्या है, दो गर्डल्स बनाई जाती है इसके द्वारा, ठीक है। अब ये गर्डल बनाती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, गर्डल बीटल, ठीक है। ये क्या है,
गर्डल्स हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं गर्डल बीटल, क्योंकि ये गर्डल बनाती है। इसके साथ साथ अब क्या होगा, जब ये गर्डल बनाएगी तो गर्डल किसकी बनेगी, यानी कि जो बाहर वाली छाल होती है, ठीक है, वो यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम वाला जो पार्ट होता है उसको काट के ये क्या है गर्डल बनाती है। अब जब जाइलम और फ्लोएम वाला जो पार्ट है अगर इसको हम काट देंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी फूड मटेरियल है, ठीक है, अब उसका फ्लो जो है ना प्लांट के अंदर, यानी कि उसकी जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर मूवमेंट बंद होगी तो इसका मतलब क्या है, इस गर्डल से ऊपर का जो प्लांट का जो हिस्सा है, ठीक है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या होगा, वो सूखने लग जाएगा, सूख जाएगा, यानी कि ड्राई होने लग जाएगा, सूख जाएगा, और क्या हो जाएगा उसके अंदर विदरिंग हो जाएगी, यानी कि मुरझा जाएगा वो, ठीक है, मुरझा के सूख के, और लास्ट में क्या होगा अगर अर्ली स्टेज में डैमेज हो जाए तो ये क्या है गिर जाता है। इससे क्या है सीधा सीधा क्या है नुकसान हो रहा है। प्लस ये जो काम किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, इसकी जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल एडल्ट जो होती है ना, फीमेल एडल्ट जो होती है बीटल, फीमेल एडल्ट बीटल जो है वो क्या करती है, ये गर्डल बनाने का काम करती है, ठीक है, गर्डल बनाती है। गर्डल बनाने के साथ साथ वो क्या करती है, ये वाला जो नीचे वाला जो गर्डल होता है, दो गर्डल बनाएगी, दोनों के बीच में 3 से 7 सेंटीमीटर की दूरी है, तो नीचे वाला जो गर्डल है इसके पास वो क्या करती है 3 होल बनाती है, ठीक है, क्या करती है 3 होल्स, ये क्या है 3 छेद बनाती है। अब ये छेद बनाती है, फिर इसमें बीच वाला जो छेद होता है, सेंटर वाला जो छेद होता है वो क्या होता है बड़ा होता है साइज में थोड़ा सा बाकी दोनों से, तो ये बीच वाला जो छेद होता है यहाँ पे ये क्या करती है एग लेइंग भी करती है। अब ये ध्यान से देखना भैया ना कितना स्पेशलाइज है इसकी एग लेइंग। क्या करेगी, सबसे पहले फीमेल दो गर्डल बनाएगी जिसके बीच में 3 से 7 सेंटीमीटर की दूरी होगी, नीचे वाली जो गर्डल होती है उसके पास ये क्या करती है 3 छेद बनाती है, इसमें से जो बीच वाला बड़ा जो छेद होता है उसके अंदर क्या करती है ये एग लेइंग करती है, ठीक है। अब बात करें इसके एग लेइंग होगी, इससे जो ग्रब निकलेगा वो क्या करेगा, वो स्टेम के अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है, ग्रब जो है वो स्टेम के अंदर इंटर हो जाएगा और इस स्टेम को क्या है वो अंदर ही अंदर से इसको फीड करता रहता है, ठीक है। अब बाइटिंग जेविन टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, अंदर ही अंदर से फीड करता रहेगा तो ये क्या करेगा स्टेम को खोखला बना देगा, तो ये क्या है डबल तरीके से नुकसान हो रहा है। एडल्ट क्या कर रहा है, गर्डल बनाने का काम कर रहा है जिससे ऊपर का प्लांट सूख जाता है, ठीक है, और जो उसका ग्रब जो होगा वो क्या करेगा स्टेम को अंदर ही अंदर से खाता रहेगा और उसको क्या कर देता है खोखला बना देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना भी ये क्या है इसका नेचर ऑफ डैमेज है, और जब लाइफ साइकिल की बात करेंगे उसमें भी ये चीज़ें काम आएगी। ओके, ये हो गया इसका नेचर ऑफ डैमेज। फीमेल बीटल से लिख रखा ना मेक 2 गर्डल्स, 2 गर्डल बनाती है 3 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, और फिर क्या होता है स्टार ड्राइंग, सूखने लग जाती है, एंड विदरिंग यानी कि झड़ने लग जाती है, मुरझाने लग जाती है। विदरिंग का मतलब क्या होता है मुरझाना, ऑफ अफेक्टेड ब्रांच लीव्स, ठीक है, इन सब के क्या है मुरझाने लग जाते हैं, और 36-50% तक इसका लॉस जो है वो क्रॉप के अंदर देखा गया है। नॉर्मली इसका जो अटैक है वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है, जब तक हार्वेस्ट होती है क्रॉप तब तक क्या है इसका डैमेज जो है वो चलता रहता है, ठीक है। ये हो गया, अब बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, लाइफ साइकिल में कितनी स्टेज होती है 4 स्टेजेस, ठीक है, लाइफ साइकिल में क्या होता है 4 स्टेज होती है। अब फर्स्ट बात करेंगे एग की, तो एग जो है वो मैंने आपको बता दिया है ना कि एग लेइंग कैसे होती है, जो लोअर गर्डल है, ठीक है, लोअर जो गर्डल बनाएगी, ठीक है, उसके पास क्या है 3 होल बनाएगी, और 3 होल में से क्या है जो सेंटर वाला है, सेंटर होल जो होता है यानी कि बीच वाला जो छेद होता है वहाँ पे क्या होता है इसकी एग लेइंग की जाती है, और इसकी फीमेल द्वारा अपने साइकिल अपने लाइफ साइकिल में लगभग 125 क्या है एग्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी होल 120 से 125 एग्स जो है वो दिए जाते हैं। फिर उससे क्या है ग्रब निकलेगा। अब ये जो ग्रब निकलता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ग्रब क्या है लाइट येलो कलर का होता है,
ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, लाइट येलो कलर का होगा और बॉडी साइज होगा इसका क्या है, 19 to 22 यानी कि 19 से 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। और स्पाइंस, इसकी खास बात क्या होती है, इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, नुकीले कांटे पाए जाते हैं प्रत्येक सेगमेंट पे, यानी कि जितने भी खंड है बॉडी के उन सब के ऊपर क्या है, नुकीले कांटे पाए जाते हैं, ये इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा क्या है, ध्यान रखेंगे तो क्या है, इसकी जो डोरमेंसी है, अगर बात करें, मैंने आपको बताया इंसेक्ट की कोई ना कोई स्टेज क्या है, डोरमेंसी में रहती है, यानी कि क्या है, सुसुप्तावस्था में रहती है, है ना। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, सुसुप्तावस्था। तो इसकी जो ये वाली स्टेज है यानी कि गर्भ जो स्टेज है, ये क्या रहती है, सुसुप्तावस्था में रहती है। अब सुसुप्तावस्था का मतलब क्या है कि यानी कि जब एबनॉर्मल होता है, यानी कि या तो आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस समय, या फिर क्या है, अगर मौसम में ऐसे चेंजेज आ जाए कि इनके लिए अनुकूल टेम्परेचर वगैरह नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को सोइल के अंदर, कहाँ पे, सोइल के अंदर डोरमेंट कर लेते हैं और क्या है, कुछ समय के लिए डोरमेंसी में चले जाते हैं। फिर जैसे ही नई क्रॉप को हम ग्रो करते हैं तो वापस से इनका अटैक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिंपल सा डैमेज है इसका, कुछ खास नहीं है कि क्या है। अगर बात करें इसकी ग्रभ की, है ना, अब इसके अंदर और भी क्या लिखना है आपको साथ साथ, जो मैंने आपको नेचर ऑफ डैमेज में बताया, तो ये क्या है, लाइट येलो, ये सब हो गया। इसके बाद क्या है, ये एग से निकलने के बाद स्टेम के अंदर होल से इंटर करेगा और इंटर करने के बाद क्या, अंदर ही अंदर उसको पूरे जो है स्टेम को फीड करता रहेगा और उसको क्या है, खोखला बना देता है अंदर से, है ना, होलो स्टेम कर देता है, ठीक है, खोखला बना देगा जो तना होता है उसको। तो ये भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि बाइटिंग एंड चेमिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, तो इसको अंदर ही अंदर से वो खाता रहता है। फिर बात करेंगे प्यूपा का, तो प्यूपल जो स्टेज होती है वो स्टेम के अंदर ही पूरी होती है, स्टेम के अंदर ही ये क्या है, प्यूपा में बदलता है और प्यूपा से फिर क्या है, एडल्ट बाहर निकलता है बाद में। अब बात करेंगे एडल्ट की, तो एडल्ट जो होता है इसका हेड, थोरेक्स यानी कि सिर, वक्ष और फोरविंग्स यानी कि आगे वाली जोड़ी जो पंख है, ये सब क्या होंगे, येलो कलर के होते हैं, ठीक है, ये इसकी पहचानने के लक्षण है स्टार्टिंग में, जब ये प्यूपा से एडल्ट में बदलता है, ठीक है। हेड, थोरेक्स और फोरविंग्स, ये तो पता ना सबको, सिर, वक्ष और अग्र जोड़ी जो पंख होते हैं वो क्या है, येलो कलर के होते हैं, बाद में क्या होता है, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि ये एडल्ट कैसे डैमेज करता है इसकी लाइफ साइकिल में, तो मैंने आपको बता दिया, इसकी फीमेल जो होती है वो नुकसान करती है और मेल जो होता है वो तो स्टेम को फीड करता ही करता है, अंदर से उसको खाता रहता है, लेकिन फीमेल जो होती है वो क्या काम करती है, गर्डल बनाने का काम करती है, ठीक है, गर्डल्स बनाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गर्डल बीटल बोलते हैं। गर्डल बनाएगी, उससे क्या होगा, प्लांट में जो भी यानी कि फूड मटेरियल का जो फ्लो है, वाटर है या फिर अदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, तो वो प्लांट के अपर सरफेस पे नहीं जा पाते, जिससे क्या है, इसको जो है रप्चर होती, यानी कि इसमें बाधा उत्पन्न होती है। इससे क्या होगा, ऊपर का जो प्लांट होगा वो क्या, धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, लीव्स वगैरह सूखने लग जाएगी। अब ये जो गर्डल्स बनती है, ये मैंने आपको स्टेम का बताया, लेकिन सिर्फ स्टेम की ज़रूरी नहीं है, ये क्या होती है, जो पत्ती के जो डंठल होते हैं, ठीक है, पत्ती के जो डंठल होते हैं वो हो गया, या फिर शाखाएँ होगी आपकी, ब्रांचेज, या फिर बात करें तना हो गया, इन सब में क्या है, ये गर्डल्स बना सकती है। पत्ती के डंठल का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है, तो ये जिससे जुड़ी रहती है स्टेम से, जिस हिस्से से जुड़ी रहती है, इसको क्या बोलते हैं, डंठल, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, ये ऐसे करके यहाँ पे भी क्या है, गर्डल्स बना सकती है। और गर्डल इसकी हमें हमेशा दो ही देखने को मिलती है। प्लस क्या होता है, ये जो गर्डल है, मान लीजिए यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे गर्डल है, हम जब इन गर्डल्स कि जो गर्डल वाला हिस्सा है, अगर आप यहाँ से स्टेम को थोड़ा सा मोड़ के देखोगे ऐसे, तो ये आसानी से टूट जाता है, ठीक है, ये इसकी पहचान होती है गर्डल्स की। और जब ये टूटता है तब आप अंदर देखोगे, इसको तोड़ने के बाद आपको आसानी से अंदर इसके ग्रब भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करें लाइफ साइकिल के टाइम पीरियड की, कितने कितने टाइम पीरियड का क्या होता है, तो एग जो स्टेज होती है उससे 4 से 5 दिन बाद में क्या है, ग्रब निकलता है, और ग्रब से क्या है फिर 32 to 62 डेज बाद में क्या है, ये प्यूपा निकलता है, और प्यूपा से क्या है, प्यूपा बनने के 8 से 11 दिन बाद एडल्ट बनता है, और जो एडल्ट जो होता है इससे फिर 3 से 5 दिन बाद में क्या है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है उसे 3 से 5 दिन वापस से एगलिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। अब बात करेंगे डायग्राम्स की,
तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्टेम, ठीक है। ये स्टेम वाला हिस्सा है, इसमें एक गडल तो ये है और एक गडल ये है। मैंने आपको बताया ना कि दो गडल्स होती है, इनके बीच में क्या है, 3 से 7 सेंटीमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। और ये क्या है, दो गडल्स बनाती है। और नीचे वाली जो गडल होती है, इसके पास क्या है, 3 होल बनाए जाते हैं, जिससे क्या है, बाद में इसके अंदर एग लिंग की जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये है तना जो देखने को मिलेगा। अब जब आप इसको, अब क्या होगा, गडल बन जाएगी तो क्या है, ऊपर का जो पार्ट है ये दिख रहा है सबको, विदरिंग दिख रही है इसके अंदर, क्या है, विदरिंग, यानी कि मुरझाया हुआ है ना। ये क्या है, धीरे धीरे बाद में क्या है, मुरझाने लग जाता है प्लांट जो है। जैसे यहाँ पे गडल्स बनी हुई है तो ये ऊपर का पूरा हिस्सा जो है मुरझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं पहुँच पाते हैं। अब बात करें उसको, जब आप तोड़ के देखोगे, अब ये क्या है, गडल वाला हिस्सा है, ये क्या है, गडल वाला हिस्सा है। जब आप इसको रपचर करोगे, तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तब क्या दिखेगा आपको इसके अंदर, आसानी से ये जो दिख रहा है ना, जो लार्वा, इस प्रकार क्या है, ग्रब जो है वो फीड करता हुआ आपको आसानी से दिख जाता है। इसके साथ साथ ये इमेज मैंने आपको दिखा दी अलग से, ये क्या है, इसका ग्रब है लाइट येलो कलर का, जो इसको फीड करता है। प्लस क्या है, हर सेगमेंट के ऊपर क्या है, इसके स्पाइंस रहती है, कांटे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायग्राम्स की कौन सी स्टेज कैसे कैसे होती है। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, इसको हमें टाइमली सोन करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले समय पे बुआई करो, टाइम पे। प्लस क्या है, सीड रेट जो है वो हम थोड़ी सी हाई रखते हैं। अब हाई सीड रेट का रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने सोरगम के पेस्ट पड़े थे उसमें सूट फ्लाई पड़ी थी। तो इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं ना, हम क्या करते हैं, किसी टाइम बाद में देखते हैं, जो जो प्लांट्स अफेक्टेड हैं उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे क्या होता है, ताकि उनसे क्या है, स्वस्थ जो प्लांट है उनके ऊपर इंसेक्ट का अटैक ना हो पाए। तो इसलिए क्या, हमें सीड रेट हाई रखनी चाहिए, ताकि अफेक्टेड प्लांट्स को अगर हम उखाड़ के फेंक भी दें, तब भी क्या है, हमारी प्लांट कैनोपी जो है वो सेफ रहे। फिर बात करेंगे क्या है, ये जो भी अफेक्टेड ब्रांचेज, लीव्स और स्टेम्स जो है, इनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। फिर बात करेंगे कुछ केमिकल्स की, कुछ केमिकल्स का स्प्रे हम करते हैं इसको मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले है क्लोरपाइरीफोस, इसकी 0.05% सॉल्यूशन, प्लस मिथाइल डेमेटोन 0.03%, या फिर क्यूनेलफोस जो है 0.05% सॉल्यूशन जो है, इसका स्प्रे घोल बना के हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर स्प्रे करते हैं। इनमें से किसी एक का यूज़ हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्या है, पैरासाइटिक स्पीशीज़ है जिनको यूज़ किया जाता है इनके ऊपर परजीवी के रूप में, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारा साथ देते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्या है, डायनर्मस स्पीशीज़ है, या फिर सेरेटिना स्पीशीज़ जो है, इनको यूज़ किया जाता है गडल बीटल को मैनेज करने के लिए। तो ये पेस्ट था भाई आपका गडल बीटल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेस्ट है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। बाकी इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, एक नया ऑयल सीड का पेस्ट लेके आएंगे, जिसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।